अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? और आप देख रहे हो टेक असर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मतलब जो सनसेट फोटोग्राफी जो होती है आप उसको कैसे एडिट कर सकते हो। जैसे जो मतलब हमारा मॉडल होता है वो ब्लैक होता है फुल, मतलब वो नज़र नहीं आ रहा होता, बस हल्का जैसे पता चल रहा होता है कि कोई मतलब बंदा खड़ा हुआ है और पीछे सन एक बहुत ज़्यादा ऑरेंज सी पर्पल टाइप की एक लुक दे रहा होता है। और बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर बहुत सारी फोटोज़ वायरल होती हैं, हर बार तकरीबन वो वाली फोटोज़ में हर जगह कहीं ना कहीं देखता हूँ। लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ स्टॉक फोटेज यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी फोटो करनी हो तो आप जिसे थोड़ा ऐसी जगह पर लेना जहाँ सन हो, ऐसे नहीं कि आप एक सिंपल वॉल पे खड़े हो तो फिर वहाँ पर तो एडिटिंग होगी नहीं। आप ऐसे लेने से कहीं मतलब कोई मैदान वगैरह हो, आप अपनी जो छत पे जाके ले सकते हो वाली पिक्चर जहाँ से सन आ रहा हो, सन आपका नज़र आएगा तो फिर जाके वो वाली एडिटिंग होगी और एक बहुत ही एक अच्छा लुक देगी। आप अपनी फोटो वाला ज़रूर ट्राई करना। ये भी मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लुक है। मैं कब से चाहता था कि मैं इसको एडिट करूँ और आज मैं आपको एडिटिंग इसकी सिखाऊंगा, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी वे में, वो भी सिर्फ और सिर्फ लाइट रूम एंड्रॉइड मोबाइल वाला जो वर्जन है उसकी मदद से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो अब डायरेक्टली हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाके लाइट रूम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने जो भी पिक्चर को एडिट करना है सारी पिक्चर को ओपन कर लेना है। देखो मेरे पास पहले से बहुत सारी ऐसी पिक्चर हैं जिनको मैं सिंपली एडिट कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं सबसे ज़्यादा जो हार्ड पिक्चर वो वाली एडिट करके दिखाऊंगा। देखो इस पर तो हमारा करेक्टर है वो मतलब फुल नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से फुल तरीके से बताऊंगा कि उसको भी कैसे ब्लैक करना है और अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसको एडिट करना है। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सपोजर को इसे कम कर देता हूँ, कंट्रास्ट को मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ, हाइलाइट्स को भी इसके हल्के से बढ़ा देता हूँ, शेडोज़ को मैं बिल्कुल कम कर दूँगा ताकि ब्लैक लुक आए, वाइट्स को बिल्कुल कम और ब्लैक्स को भी बिल्कुल हल्का सा मैं कम कर दूँगा। उसके बाद कर्व में आपने चले जाना है और देखो ऊपर सेक्शन होता है हाइलाइट्स का, नीचे और नीचे होता है शेडोज़ का। तो आपने सिंपली मेरे स्टेप्स को कर लेना है फॉलो। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। कर्व में बस हमारा थोड़ा सा ही काम था, उसके बाद आगे चले जाना है और यहाँ पर टेम्परेचर को आपने इसका हल्का सा इंक्रीज़ करना है ताकि वो जो ऑरेंज वाले लुक है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आए। उसके बाद आपने इसके टिंट को हल्का सा प्लस की साइड पर रखना है ताकि वो जो पर्पल वाली जो हमें लुक चाहिए वो वाली भी आ जाए। उसके बाद वाइब्रेंस को मैं इसके हल्का सा बढ़ा देता हूँ, सैचुरेशन को भी मैं इसके हल्का सा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आपने चले जाना कलर मिक्स वाले सेक्शन में, उसके बाद रेड की ह्यू को हल्का सा माइनस साइड पर मैं कर देता हूँ, ल्यूमिनेंस को इसकी बढ़ा देता हूँ। ऑरेंज की ह्यू में जाने के बाद मैं इसकी ह्यू को हल्का सा बढ़ाऊंगा ताकि मतलब जो सन में एक ब्राइट लुक और अच्छी लुक आ जाए। उसके बाद ल्यूमिनेंस को भी बढ़ा दूंगा, येलो की सैचुरेशन 100% कम, ग्रीन की सैचुरेशन 100% कम, इसकी भी ब्लू वाले कलर की जो सैचुरेशन 100% कम। उसके बाद ये वाला जो आपके स्काई का कलर होता है इसको देखो, उसमें थोड़ा प्लस साइड पर कर रहा हूँ तो पर्पल वाली लुक आ रही है, जो हमें लुक चाहिए वही वाली हमें लुक मिल भी रही है। उसके बाद आपने सैचुरेशन को भी इसके हल्का सा इंक्रीज करने के बाद जो पर्पल वाला कलर है इसकी सैचुरेशन को मैं हल्का सा ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, हल्का सा मैं इसको डिक्रीज़ कर देता हूँ और इसकी ल्यूमिनेंस को मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपली जब हो जाए तो इस वाले अगले वाले पर्पल कलर पे जाने के बाद इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देना है और कर देना है डन। डन करने के बाद जैसे आप आगे वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ये वाला सेक्शन मिलता है, आपने इसकी क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा देना है, विग्नेट को कर देना है हल्का सा कम, डी है इसको भी मैं देखता हूँ अपने पर जैसे थोड़ा सा प्लस साइड पर रख देता हूँ। उसके बाद मिड पॉइंट को कम, फेदर को ज़्यादा, ग्रेन अमाउंट को हल्का सा ज़्यादा, शार्पनिंग में जाऊँगा और डिटेल वाले सेक्शन में शार्पनिंग को हल्का सा बढ़ा दूंगा ताकि फोटो एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से शार्प हो जाए, कलर नॉइज रिडक्शन दोनों को बढ़ा दूंगा। अब हमारा मेन काम आता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है जो हमारा मॉडल है उसको हम कैसे ब्लैक लाएं। उसके बाद आपने सिंपली जाना है सिलेक्टिव टूल में, तो सिलेक्टिव टूल आपको वैसे फ्री में नहीं मिलता लेकिन आपको यूट्यूब पे वीडियोस भरी हुई मिल जाएंगी, आप सिंपली वो सर्च करके लाइट रूम का प्रीमियम वर्जन डाउनलोड कर सकते हो या पेड वर्जन आप मतलब पे करके उनको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर ये गलती से मैंने सर्कल बना दिया, आपने सर्कल नहीं बनाना यहाँ पर, देखें सबसे पहले अपनी फोटो को आपने कर लेना है जूम। लेकिन फोटो को जूम करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर चले जाना है ये वाले ब्रश वाले टूल में, और ब्रश वाले टूल में आपने अच्छी तरीके से इसको कर लेना है। मैं थोड़ा रफली करूँगा क्योंकि मुझे वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट रखनी है, लेकिन आप अच्छी तरीके से प्रोफेशनली तरीके से करना ताकि एक बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे। उसके बाद देखो जब ये डन हो जाए तो सिंपली आपने ये जो लाइटनिंग वाला सेक्शन है लाइटनिंग वाले सेक्शन में चले जाना है। देखो यहाँ पर उसके एक्सपोजर को आपने बहुत ज़्यादा कम कर देना है, बहुत ज़्यादा कम करने के बाद उसके कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना ताकि एक ओरिजिनल लुक दे, और हाइलाइट्स को भी बढ़ा देना है, शेडोज़ को बिल्कुल कर देना है कम, वाइट्स को कर देना है कम, ब्लैक्स को भी कर देना है कम। उसके बाद देखो यहाँ पर साइड पर जो है मतलब एक अच्छा लुक नहीं आ रहा क्योंकि फेक लुक आ रहा है, तो आपने फिर से इसको करना है।
देखो अब आपके सामने लुकी हुई फोटो में कितना अच्छा लुक आ चुका है। देखिए पहले फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपने सिंपली कर देना है डन सिलेक्टिव टूल से। उसके बाद देखिए मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। पहले फोटो कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही थी वाली फोटो, लेकिन ये मतलब जो आप लुक देना चाहते हो सिलहट लुक लो, मुझे मतलब सही से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेकिन जो भी आप उसको कहो, जो ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लैक एंड ऑरेंज जो लुक होता है, पर्पल टाइप का जो सन वाला जो लुक होता है, ये वाली जो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे वायरल होती है वाली फोटोज, उनका कुछ इसी टाइप का लुक होता है और आपका सब्जेक्ट अब बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। उसके बाद देखो मुझे ऑरेंज जो है कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैं इसके हल्का सा मतलब जो है इसके टेम्परेचर को मैं बढ़ा देता हूँ बल्कि, लेकिन जो है मैं देखें एक मिनट ये, क्योंकि यार मैं एक हाथ से बना रहा हूँ वीडियो ये वाली, क्योंकि मैंने एक हाथ से माइक पकड़ा हूँ, क्योंकि माइक का जो मतलब क्लिप जो होता है वो मुझे गलती से टूट गया है। उसके बाद देखो अब फाइनल लुक ये है, फाइनल लुक फोटो का आपके सामने। पहले फोटो कुछ इस टाइप की थी और अब फोटो कुछ इस टाइप की हो चुकी है। यही वाली सेटिंग का आप कॉपी करके दूसरी चीज़, दूसरी भी कोई भी पिक्चर उस पर आप पेस्ट कर सकते हो। अगर आपने 10-12 फोटो जैसी इसी टाइप में क्लिक करवाई हो, जो आपको फिर पसंद आए एडिट होकर, वही वाली फोटो आप इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो। और ये वाली फोटो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी अपलोड होने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आपको ये वाली इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगानी है, तो क्रॉप में जाके 4x3 का जो साइज़ होता है लाइट रूम में, आप वो वाला लिया करो, क्योंकि वो इंस्टाग्राम का साइज़ होता है। और सिंपली उसके बाद अपने 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद, बल्कि 3 डॉट्स पर जो शेयर वाला बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर लेना है, और ये पहली फोटो आपके मोबाइल में बिल्कुल सेव हो गई है। तो होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक मस्त कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर मैं ऑनलाइन रहता हूँ, तो आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो, या फिर वहाँ पर कोई भी जैसे इंप्रूवमेंट वगैरह चाहिए आपको कॉन्टेंट में मेरे, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको ज़रूर इंप्रूव करूँगा। जैसे अगर आपको कोई भी जैसे मसला हो मेरे कॉन्टेंट वाइज, आपको कोई भी जैसे क्वेश्चन पूछना हो कि उसको हाईलाइट्स वगैरह शेडोज वगैरह कैसे बढ़ाएं, कितनी बढ़ाएं, तो आप मुझे फोटो सेंड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि आप कितना कितना इसको बढ़ा सकते हो, या मैं आपको खुद ही एडिट करके दे दूंगा वाली फोटो अगर आप बोलोगे तो। हाँ यार मुझे याद है कि मैं अपने सेटअप चेंज करने का सोच रहा हूँ, जिससे जो रिंग लाइट है वो मतलब मेरे आधे फेस पे लगे, पीछे वाला बैकग्राउंड डार्क हो, थोड़ा उस पर थोड़ी लाइट आ रही हो, मतलब मेरा फेस ज़्यादातर नजर आओ, मतलब मेरा फेस ब्राइट और पीछे ये वाला डार्क हो, जिससे एक बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल अच्छी लुक देता है। अगर हो पाया तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोज में जैसे 1 वीक बाद या फिर कभी भी आपको वाली वीडियोज मतलब दिख जाएगा वो वाला सेटअप, वरना फिर ये वाला सेटअप अपना रहेगा। तो यार अगर वीडियो पसंद आई तो जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक करना। भाई को हमें याद रखना, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।